हेलो ना, आप मानी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और इस छोटी सी पहल में जो विधायक जी का जो मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, का दौरा था तो वो चले गए हैं, वो उनको अचानक ही जाना पड़ा, तो उनकी भी जो एक सोच थी साकार हम लोग करने जा रहे हैं। और इस जगह पर क्यों गए, तो इस जगह को हम वाटर स्पोर्ट्स के हब के रूप में यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। और ये आज नहीं है, दिखाओ विधायक जी, दिखाओ दिखाओ रैलियों के साथ में जरा। होता है और इसके पीछे रडर होता है जिससे कि मूवमेंट दे सकते हैं, पर कैनो वाला जैसे आप देख रहे हो पैडल पीछे रोक रहा है, वो अपनी बोट को सीधा करने के लिए कर रहा है, दैट मींस उसमें कोई रडार सिस्टम नहीं होता है। अगर ये माध्यम फलीभूत हुआ, यहाँ के सैकड़ों हजारों युवाओं को इसके माध्यम से रोजगार मिलेगा, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। आज आप देखा होगा शुरू में अबे तू दूसरी वोट नहीं ले सकता था, नई वोट ले लिया। बैग रखो सारे, बैग जाओ अभी। पैसा बड़ी हरण है, दो तीन बंदे आप ठीक है इस बात का समर्थन किया था। एक बार आप इस झील को बड़ी पता लगेंगे, आज ये झील बनकर तैयार हो गई है। ऐसा के रूप में झील को देख रहे हैं कि उससे विरोध हो जाए, किस राजनीतिक कारण होते हैं, किस निजी स्वार्थ होते हैं, उन निजी स्वार्थों को छोड़कर जो है वो C1 C2 C4 बोलते हैं। ये डबल वाला चल भाई, राफ सर जाएंगे क्या सर? आज एक शुरुआत हमने की है, 5 दिवसीय प्रशिक्षण की है, और उम्मीद करते हैं इस प्रशिक्षण को हम आगे भी बढ़ाएंगे। और जो इस प्रशिक्षण से जो बच्चे निकल के आएंगे उनको हम ट्रेनिंग देंगे और उनको इस फील्ड में और आगे बढ़ाने की प्रयास हमारा रहेगा, और उम्मीद करते हैं कि ये प्रयास हमारा सार्थक हो। देखिए, ये जो भी चल रहा है ये स्थानीय लोगों के लिए चल रहा है, स्थानीय लोगों के इन्वॉल्वमेंट से ही इस इलाके का विकास होगा। बिना स्थानीय युवाओं को हम समावेश किए हुए विकास नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा प्रशिक्षण है इसमें भी जो 20 छात्र हमारे जो है कंटिन्यू ट्रेनिंग ले रहे हैं, 20 के अलावा इनमें भी देखेंगे जो आगे बढ़ करके आते हैं, और अन्य लोगों को भी ले करके भी उन्हीं बालकों को हम ट्रेनिंग देंगे और उन्हीं को हम भविष्य में जो भी लाइसेंसिंग प्रक्रिया या व्हाटएवर जो भी नीति होती है उसके तहत उनको प्रमोट करने की हमारी कोशिश रहेगी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और एक सपने के साकार होने जैसा ये वक्त है। हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पर इसको एक मिनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाए, और वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ यहाँ पर जो फन बोटिंग होती है वो भी शुरू करेंगे धीरे धीरे। और आज जिस तरह से शुरुआत हुई है, मेरा आप लोगों से, मीडिया के लोगों से भी ये आग्रह रहेगा कि इसको इसमें जिस तरह से बाकी सारी गतिविधियों में आपका सहयोग हमें मिलता रहा है, रुद्रप्रयाग आपदा से
बुरी तरह से प्रभावित जनपद है, इसको एक बार फिर से खड़ा होना है और इसमें आप लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो आज का जो ये जो शुरुआत है इसको पूरा कवरेज मिले, पूरी अच्छे से ये प्रचारित प्रसारित हो, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में एक बहुत बड़े इवेंट के रूप में ये उभर कर के आएगा।